21वीं सदी के महान अजूबों में से एक मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों का एक समूह है, जिसमें 6000 साल के पूरे विश्व का विस्तार किया गया है। इस म्यूजियम में जापानी कवच का एक पूरा सेट और कई तरह की पेंटिंग्स के नज़ारे देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि इस म्यूजियम में भारतीय महाकाव्य रामायण दिखाया जाएगा। जानकारी के अनुसार रामायण साल भर तक चलने वाली एक एक प्रमुख प्रदर्शनी का केंद्र बिंदु होगा, जिसमें 19वीं सदी के बीच उत्तर भारत के राजपूत और पहाड़ी दरबारों के लिए बनाए गए 30 चित्रों को प्रस्तुत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि एक साल तक चलने वाली इस प्रदर्शनी को सीता एंड राम द रामायण इन इंडियन पेंटिंग का नाम दिया गया है। न्यूयॉर्क शहर का मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट अमेरिका का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। ये 150 साल पुराना है। यहाँ पर 5000 साल पुरानी कलाकृतियों को संरक्षित कर रखा गया है। लोग यहाँ की भारतीय कला को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। आपको बता दें कि 2017 में भी मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने खास कार्यक्रम में नीता अंबानी को सम्मानित किया था। साथ ही नीता अंबानी द मेट्स इंटरनेशनल काउंसिल की भी सदस्य हैं। बता दें कि 2016 में फोर्ब्स ने नीता अंबानी को एशिया के 50 सबसे शक्तिशाली कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया था। वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य भी हैं और इस भूमिका को निभाने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं। म्यूजियम के चेयरमैन डेनियल ब्रॉडस्की ने कहा कि नीता अंबानी की मदद से म्यूजियम की कला के अध्ययन और प्रदर्शनी की क्षमताओं में काफ़ी इजाफा हुआ है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.